अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इल्ज़ामात और बयानात की सियासत, माशी और आइनी बहरान संगीन होता जा रहा है। पंजाब इलेक्शन गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। तारीख इलेक्शन के हवाले से तय नहीं हो सकी। इसके हवाले से गवर्नर ने आइनी तशरी मांग ली है। हालांकि नज़ारे आइनी अहदे पे फायज़ हैं गवर्नर पंजाब, और इस तरह के पी में भी दरख्वास्त की गई है कि फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दी जाए। इस वक्त चूँकि मुल्क ख़ास तौर पर जब हम सियासी तौर पर देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, माशी तौर पर एक दलदल में फंसे हुए हैं, और आइनी बहरान भी जिस तरह का माहौल बन रहा है तो एक संगीन हो सकता है अगर ये मामला आगे चलते रहे। फौरी इंतखाबात कैसे होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वन डे इलेक्शन हो किसी भी तरह का। इस वक्त मुल्क जो है वो दो दो तीन तीन इलेक्शन से अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये भी एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि अगर दो सूबों में इलेक्शंस हो जाते हैं और दो सूबों में जो हुकूमत जो पार्टी जो है अक्सरियत हासिल करेगी तो ज़रा उसका बराह रास्त असर पड़ेगा कौमी असम्बली के इंतखाबात जो कि मुद्दत पूरी होने के बाद होने हैं और बाकी जो सूबे हैं, तो ये एक अच्छा शगुन नहीं होगा पाकिस्तान के लिए भी, और पाकिस्तान की जो इकाई है वो भी मुतासर होगी। लेकिन क्या हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, इलेक्शन कमीशन, इस चीज़ के ऊपर किसी तरह की कोई उनके दरमियान कोई बातचीत हो रही है या कोई डायलॉग का रास्ता निकल सकता है कि मामला जो है वो खुशअसलूबी से तय पाए? बज़ाहिर ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। सियासी जमातों के दरमियान डेडलॉक है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे अमल में कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेंगे, उनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, ख़ासतौर पर जब तहरीक इंसाफ की हम बात करते हैं तो क्या वो भी मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे? APC हो नहीं सकी, लेकिन APC से पहले जो सानिया पेशावर की वजह से पुलिस लाइन में जो ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से जब वहाँ पे एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। अगर शिरकत करते तो शायद ये जो कि सियासी माहौल या टेम्परेचर्स बना हुआ था उसमें कमी आ सकती थी। सदर अलवी साहब ने माजी में हमने देखा कि कोशिश की कि किसी तरह मामला जो हैं वो तय पा जाएँ और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक टेबल पे बैठे हैं, लेकिन वो कोशिशें भी रायगा गई। और अब ज़रा अलवी साहब ने जो अभी टैक्स के हवाले से ऑर्डिनेंस की बात थी उससे भी इनकार कर दिया, तो ये मामला जो है वो मज़ीद संगीन होता हुआ नज़र आ रहा है। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, ज्वाइन कर रही है मोहतरमा डॉक्टर यासमीन राशिद साहिबा, सदर हैं PTI सेंट्रल पंजाब की, खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर साहिबा को भी। सेनेटर निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के, सीनियर रहनुमा हैं। और जनाब सदीकुल फारूक साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के जरिए, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, मुस्लिम नून से आपका ताल्लुक है। सदीकुल फारूक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जफीर साहब। सदीकुल फारूक साहब आपकी इजाज़त से मैं डॉक्टर यासमीन राशिद साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेफस से ज़ाहिर इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, और साथ ही साथ पंजाब और KP की जब हम बात करते हैं असम्बलियाँ तहलील हुई 90 दिन के अंदर, ज़ाहिर आइनी तौर पर इंतखाबात कराने हैं। आपको लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होंगे और निगरान हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, ख़ास तौर पर गवर्नर पंजाब पे अब सबकी नजरें हैं? देखिए असूलन तो आइन शिकनी कर रहे हैं अगर ये 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ना कराएं, और ख़ास तौर पे अब कोर्ट के कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में भी चले गए हैं, क्योंकि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया इनको कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं जिस दिन से ये असम्बलियाँ तहलील हुई हैं। ये हिलो जब यह बहाने बना रहे हैं, आज फिर इन्होंने कोई बहाना बनाने की मीटिंग की है, इनके ऊपर तो वैसे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना है और आइन शिकनी इनके ऊपर लगेगी, और ये कितना मर्जी भागे दौड़े हैं इलेक्शनों से, आखिर इलेक्शन तो होनी है ना, आज नहीं होगी तो कुछ दिनों बाद होगी। तो मेरा ख्याल है इनको ये हुकूमत जो है ये होश के नाखून ले, और इलेक्शन कमीशन जो इस किस्म इस वक्त बतौरे काम कर रहे हैं घर की बांधी की तरह, उनसे कहिए कि आप इलेक्शन कमीशन हैं, आपका काम है इलेक्शन कराना, और आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, तो आप कराइए, इधर उधर के बहाने किसके ढूंढ रहे हैं आपको?
दो बड़ी असेंबलियां इस वक्त जो है तहलील हुई हुई है, लोग लोग चाहते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, लोग बेचैन हैं वोट डालने के लिए, तो आपको किस बात की परेशानी है? आप करिए इलेक्शन करवाइए ताकि दो बड़े सूबे जो तकरीबन 64% आबादी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके अंदर इलेक्शन होनी है। डिले करने से आप बहुत बड़ा नुकसान दे रहे हैं, और जब तक की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो किसी तरीके से भी आपकी बाकी स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी पाकिस्तान मईशत की। जब तक मईशत बेहतर नहीं होगी जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए, तो इलेक्शन कराना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कराने बहुत जरूरी है, ज़ाहिर है इलेक्शन होने भी चाहिए और थोड़ा वक्त पे होने चाहिए, लेकिन उसमें हमने देखा कि असम्बलियाँ तहलील की गई हैं, जो कि हुकूमत ये वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि इस तरह के अमल की ज़रूरत नहीं थी, और आप पंजाब और KP असम्बली अपनी मदद पूरी करते हैं, उसके बाद हम आए वक्त पर इलेक्शन हो जाते हैं, मिलजुल कर हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पर भी बात कर सकते थे। अब मरियम बीबी फरमा रही हैं कि खान साहब जो है वो हमेशा सहारा ढूंढते हैं, अब वो अदलिया का सहारा ढूंढ रहे हैं और अदलिया के सहारे दोबारा इक्तदार में आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि इस बीबी को शर्म आनी चाहिए, ना इसके बाप ने इज्जत की थी कभी कोर्ट्स की, और ना इसको इज्जत करनी आती है। वजह यह है, ये जो करते हैं ना इस तरह की गलत बयानियां करते हैं, इनको पता होना चाहिए कि हाँ अगर अदालतों की तुमने इज्जत ना की तो तुम्हारी दुनिया में कोई इज्जत नहीं रहेगी। अहम बात है, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, ये बात भूलिएगा नहीं, ये तारीख का हिस्सा है, और इनसे कोई अच्छे की आप उम्मीद न रखिए। ये हमेशा हमेशा जो बात करेंगे जुडिशरी के खिलाफ करेंगे। हाँ, इनके मर्जी के जज लगे हुए हों, जस्टिस को यूं आप मर्जी के लगे हुए थे, और जब वो फरमा रहे थे और वो शहबाज शरीफ जो है बात कर रहे थे, अभी भी बहुत सारी जगहों पर जो इनको रिलीफ मिली है तो आपका ख्याल अखर से मिली। तो मेरा ख्याल इन चीजों पर इनसे कहिए कि कोई अपना इस वक्त अपनी वो जो है ना वो थोड़ा सा बंद रखें, क्योंकि आप इस तरह की गलत बयानी कर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जमहूरियत को और पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम को बहुत बड़ा नुकसान दे। ठीक, इस वक्त ज़रूरत इस अमल की है कि हमें ज़रा फॉर्म और तफहीम से मामला आगे बढ़ाने के। देखो फारूक साहब, खुद को आप सुन रहे थे, पंजाब में इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रा डिमांड कर रही है, और 90 दिन के अंदर इलेक्शंस आइनी तौर पे बिल्कुल आइन वाजे है, और इस पर गवर्नमेंट ने तशरी मांगी है, और कह रहे हैं कि जी मज़ीद इसके ऊपर ज़रा डायलॉग बरकरार है इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट पंजाब के दरमियान। आपको लगता है एक तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन ज़ाहिर हो जाने चाहिए, और जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब फरमा रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वतीरा रहा, उन्होंने अदालतों पे हमला किया और वज़ार उस केस का रेफरेंस दे रही थी, मामला जो है वो आगे बढ़ने चाहिए, डायलॉग की तरफ आना चाहिए, अभी तक हम माजी में फंसे हुए हैं और एक दूसरे पर तनकीद ही कर रहे हैं। कैसे जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा? आपको लगता है कि आइनी तौर पे अब कोई नया बहरान नहीं आएगा? पंजाब तो पिछले 9 महीनों से बहरान में ही है। सदीक उल्फाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आइनी बहरान नहीं होना चाहिए और ना ही आइनी बहरान होगा, लेकिन मैं अपनी बहन हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये उनको मुंह बंद रखना चाहिए और फलां करना चाहिए। इन्हें मेरा ख्याल है अपनी इज्जत का, अपनी उम्र का, अपनी तालीम का, हर इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करने चाहिए। इमरान खान साहब की ये जितनी मर्जी सपोर्टर हों, ये लेकिन वही इमरान खान है जिसके बारे में इनके अपने सदर आरिफ अलवी साहब ने यह कहा है कि जनरल बाजवा ने 2018 के इंतखाबात में इमरान खान की मदद की और उन्हें वजीर आजम बनवाया और फिर सेनेट में मदद की। तो इमरान खान की तो वजारत उजमा ही जाली थी, हमारी सीटें तब्दील करके रिजल्ट और उनको वजीर आजम बनाया गया, ये तो आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है, इनके अपने सदर इनकी पार्टी के बंद। इसलिए शर्म तो इमरान खान को आना चाहिए। आज उन्होंने, कल जो यू टर्न लिया है, सारी कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं कि जनाब अमेरिका ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की है और मेरी हुकूमत गिराई है और हम गुलाम नहीं हैं, और आप जनाब वो कहते हैं कि नहीं, साजिश तो बाजवा ने की है। तो इसलिए जो आदमी लीडरशिप का दावेदार हो और जो आदमी उनकी पार्टी में अच्छी पोजीशन पर हो, एक रेस्पेक्टेबल मतलब हैसियत हो सोसाइटी में भी, उनको भी ज़रा इन सारे हकायक का
ख्याल रखना चाहिए कि क्या हकायक हैं और क्या नहीं। बाकी पंजाब में जो गुंजाइश भी है, आखिर ये मामला आइनी तशरी का और अदालत के पास जाने और ना जाने के दरमियान ही चल रहा है। वैसे ये कोई ऐसी बात नहीं है, अगर दहशतगर्दी ने मुल्क को इस तरह से ख़राब कर रखा है कि रोज़ाना शहादतें हो रही हैं, 100 से 150 शहादत से ज़्यादा तो आपने KPK में देखी। इमरान खान साहब का अपने 9.5 साल की हुकूमत है KPK में, और पिछले साल उनके 370 उस सूबे के पुलिस वाले दहशतगर्दों ने शहीद किए हैं। एक लश्कर निकला अपना अफगानिस्तान के बॉर्डर से और बन्नू जेल जाके उसने अपने दहशतगर्द रिहा करा लिए, और इमरान खान साहब की सूबाई हुकूमत जो है वो उनको कहीं रोक नहीं सकी दहशतगर्दों का साथ देने की। उन्हें बसाने की बातें करते हैं, दहशतगर्दी का शिकार है ये मुल्क, बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, जहाँ जहाँ हो सकता है। पूरी फौज की बहुत बड़ी तादाद अब दहशतगर्दों के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है, रेंजर्स उतर चुके हैं, पुलिस उतर चुकी है, सूबा एडमिनिस्ट्रेशन उतर चुकी है। ये सारी चीज़ें हमने देखनी हैं, इंतखाबात भी होंगे, अगर तो इंतखाबात उस बुनियादी तौर पर हों कि जब ये गालिबन 12-13 अगस्त इसी साल की वो कौमी असम्बली भी टूटनी है, बाकी असम्बलियाँ भी टूटनी थी। पाकिस्तान में रिवायत यही रही है, 10 मार्च और 7 मार्च और 10 मार्च का तो मुझे 77 के इलेक्शन याद हैं, फिर उसके बाद ये एक दिन, फिर उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट, और बाजवा साहब ने तो इमरान के साथ मिलके वो एक दिन और RTS और सब कुछ को ख़त्म करके फिर भी धांधली कर डाली। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इंतखाबात बिल्कुल फ्री एंड फेयर हों, लेकिन अगर मुल्क की सलामती दाव पे लगी हुई है और वो कानून में अगर गुंजाइश है। ठीक, फारूक साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपको भी याद होगा 2013 में बहुत हालात ख़राब थे, 2-3 पार्टियों को तो इलेक्शन मुहिम भी नहीं चलाने दी जा रही थी, उन ANP खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके कैंप्स पे जो इलेक्शन कैंप्स थे उनके उनको अटैक किया जाता था। सिर्फ KP की बात नहीं हो रही, पंजाब, KP, बलोचिस्तान, कराची में इवन, तो उस वक्त इलेक्शंस हुए। आज अल्लाह का शुक्र है कि हालात 2013 जैसे नहीं हैं, तो दहशतगर्दी का जवाब बाज़ार तो नज़र नहीं आया आ रहा, क्योंकि ये जो आप जिस रेफरेंस दे रहे हैं पुलिस लाइन जो पेशावर वाला सानिया हुआ, अफसोसनाक ज़रूर है, लेकिन ये इनफ नहीं है। उसके बाद भी हमने देखा बलदियाती इंतखाबात भी हुए, ज़मीनी इंतखाबात इससे पहले भी हुए, तो आप नहीं समझते कि ये एक आप खुद बड़ी जमहूरी सोच के हामी हैं कि ये नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान का अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन डिले हुए, मिलजुल कर किसी भी तरह मैनेज कर लेने चाहिए, गो के पंजाब और KP के जो इलेक्शंस हैं वो उस पर बात की जा सकती है, और कोई आप तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अगर आपस में बैठ जाएं और मामला तय पा जाएं और इलेक्शंस ये कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करें और उसके बाद इलेक्शंस हो जाएं, यानी वन डे इलेक्शन। मैं इंतखाबात की ना मुखालफत करता हूँ ना कर सकता हूँ जी, बिल्कुल मैं जमहूरी आदमी हूँ, आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता हूँ, लेकिन बहरान या ऐसी कोई बात इसलिए नहीं है कि दोनों सूबों में जहाँ असम्बलियाँ नहीं हैं वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट्स मौजूद हैं जी, जी। वहाँ स्पीकर मौजूद हैं। इससे पहले जो आप 2008 का हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, उस वक्त फौज ने यानी अपने फौजी देने से इनकार नहीं किया था, माजरत नहीं की थी। ठीक, इस वक्त वो किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी फौज को डिप्लॉय कर दिया है, क्या क्या खतरात हैं अगर वो इस वक्त उतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट नहीं करते, ये मैं चूंकि डिफेंस से रिलेटेड नहीं हूँ, ये तो मिनिस्ट्री डिफेंस में जी। सिद्दीक फारूक साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन 2013 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उस वक्त आपको पता है कि सवात में ऑपरेशन चल रहा था और इससे ज़्यादा वो था। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस नज़रिए के बजाय कि हम इसको किसी भी तरह, चाहे माशी हो या हमारी इस वक्त जो दिफाई पोजीशन है उसके ऊपर मामलात हैं, ज़रा फौज को इंगेज नहीं कर सकते, वो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा था कि हम फौरी तौर पे फौज नहीं दे रहे, तो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया था कि हमें कराची में फ़ौज चाहिए, तो उस पर उन्होंने कहा था कि हम क्विक रिस्पॉन्स के लिए तो तैयार रहे होंगे, लेकिन हम फौज इस वक्त नहीं दे सकते इस पूरे इलेक्शन को कवर करने के लिए। अभी तक उन इंतखाबात का क्या है, उन इंतखाबात को कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा, सारे एक दूसरे पर एतराज़ कर रहे हैं,
बिल्कुल। मैं तो सर यही ये अर्ज देखिए, कर रहा हूँ, ये देखिए ना, वो दो चीज तीन है बातें हैं, सदीक गुल फाम तकरीबन साहब। दो, मेरे दो जुमले सुन लें जी प्लीज। एक पहली बात तो ये है कि IMF के साथ जो मुआहदा बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत ने किया था, वो अभी चाहे हमारे महीने डेढ़ महीने की ताखीर की वजह से जो भी सूरत हाल है, चाहे वो बैन अल-अक़वामी जो इस वक्त रिसेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है, रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, सारी बातों को सामने रखते हुए ठीक अगर माशी मामलात भी हैं, IMF के साथ भी दरमियान में पड़े हैं, इस वक्त जनाब अली मामलात कुछ ऐसे दिगरगूं हो जाते हैं, दहशत गर्द फिर सर उठा लेते हैं, इन चीजों को सामने रखते हुए अगर सब लोग बैठ के ये समझते हैं कि 10-15 दिन इधर या उधर ये इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो 90 दिन की बात है, अभी तो 90 दिन में बहुत दिन है, इलेक्शन तो 40 दिन में भी हो सकते हैं, इलेक्शन तो एक महीने के अंदर भी हो सकते हैं। 15 दिन में भी हो सकता है, ठीक कह रहे हैं आप सदीक फाख साहब। मैं आपकी तरफ आऊँगा, सेनेटर निसार खोड़ो साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। खोड़ो साहब किस तरह देखते हैं, खासतौर पे इस वक्त ज़ाहिर डायलॉग की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक अच्छा ऐलान कि हम तमाम सियासी जमातों के साथ बात करने को तैयार हैं और राबते का ऐलान भी किया है आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करना चाह रही है और उनका कि सियासी डायलॉग के खात्मे के लिए ताकि बात मुफाहमत की तरफ जाए, आपको लगता है कि इस डायलॉग का खात्मा हो जाएगा और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वेलकम करेंगे? किस चीज में वेलकम की बात है? हमने उस दिन बिलावल साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान की फ्रजाइल कमजोर सियासत में पॉलिटिकल पार्टीज को एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए जी, कि हम पार्लियामेंट के अंदर कैसे बिहेव करेंगे, बाहर कैसे बिहेव करेंगे, सियासी पार्टियों को सियासी नुक्ते नजर से तो चलो एक दूसरे पे तनकीद हो सकती है, लेकिन जब पर्सनलाइज हो जाता है मसला तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी से बातचीत के दरवाजे को ले रखना। ये कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में मिलकर कोड ऑफ कंडक्ट पर कंसेंसस बनाना, इसके अलावा तो मुझे नहीं मालूम कौन सी याद है। अच्छा, तो इसमें सर आपको लगता है कि जो पंजाब की भी सूरत हाल है और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस पॉसिबल हैं, इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होंगे, 90 दिन के अंदर अंदर हो गए, इससे मामला तजावुज नहीं करेगा? देखिए भाई, हम कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से मुबरा किसी वक्त को नहीं करते, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हम उसको अधेयर करते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई माहौल बेहतर बनाने की कभी कोई कोशिश हुई तो हमने तो ऑफर की। ये तो आप पूछे इमरान खान से कि वो हर चीज के बायकॉट किए लगा हुआ है, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कहा मैं नहीं जाऊंगा, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई तो मैं नहीं जाऊंगा, असेंबली में वापस आओ तो मैं नहीं आऊंगा, ये तो आप उनसे पूछे ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं? हम तो कंसेंसस में बिलीव करते हैं, हम मुलाकात में बिलीव करते हैं, हम सबको ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं, ये तो उनसे पूछे ना जो खामखा मसले पैदा करते हैं। ठीक, इसमें कोई शक नहीं, खैर ज़ाहिर मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है और खोड़ साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए, और जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑन बोर्ड होने की बात करते हैं वो कहते हैं जी हम इन चोर डाकुओं से बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या ही अच्छा हो निसार खोड़ो साहब जैसे लोग जिस तरह सदीकुल फारूक साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो बातचीत करें और अपनी लीडरशिप को भी ऑन बोर्ड लें, क्योंकि डायलॉग के बगैर तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा, मफाहमत होगी तो ही ये मफाहमत ही पाकिस्तान के लिए बुनियादी तौर पे एक सही डायरेक्शन जो है उसका तयन करेगी, तो ज़रूरी है कि तमाम लोगों को ऑन बोर्ड होना चाहिए और किसी तरह इस वक्त जो एक सियासी शिद्दत पसंदी है उसका खात्मा होना चाहिए, मुल्क माशी तौर पे दलदल में फंसा हुआ है, उससे निकालने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है और उसके ऊपर संजीदगी से बात होनी चाहिए। क्या इसके ऊपर बात होगी या नहीं और किस तरह ये डायलॉग का सिलसिला आगे बढ़ेगा और इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं ऑन बोर्ड, इस पर मज़ीद बात करेंगे। तीन पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।